तरफ वडाप्रधान मोदी राजकोट में 250 बेड की तैयार आईपीडी नू लोकार्पण करशे। आ साथे देशभर में कार्यरत 23 एम्स पैकी मात्र राजकोट अने भुवनेश्वर एम्स ने कंटेनर हॉस्पिटल प्रयोग माटे मंजूरी आपवामां आवी। आईपीडी सेवा शुरू थतानी साथे ज दर्दियों ने सारी सारवार मळी रहेशे। 15 जेटली स्पेशलिस्ट सारवारनो पण समावेश कराशे। एम्स में खूब नजीवा दरे दर्दियों ने तमाम प्रकारनी सुविधाओं आपवामां आवशे। हजू एम्स नू संपूर्ण काम पूर्ण थता समय लागशे, ज्यारे आ पछी नजीकना समय में तबक्कावार मल्टी स्पेशलिटी सारवार सहित कुल 23 जेटली सारवार उपलब्ध करवामां आवशे। हवे कोई पण गंभीर बीमारी माटे सौराष्ट्रवासीओने अमदावाद जवानी जरूर नहीं पड़े। राजकोटनी आ एम्स में ज सौथी सारी सारवार मळी रहेशे। जो जटिल बीमारियां हैं उसके लिए सौराष्ट्र के लोगों को अहमदाबाद तक जाना पड़ता था, अहमदाबाद के बाहर जाना पड़ता था। अब ये आईपीडी सेवा शुरू होने से क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सी सारवार यहाँ मिलेंगे? यस, मैं पहले भी आपको बताया, अभी जो हम आईपीडी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, जो 14 डिपार्टमेंट हमारी ओपीडी सर्विसेज दे रही हैं, वही 14 डिपार्टमेंट आईपीडी सर्विसेज भी देगी। सेकेंड फेज में जो कि इसी साल पूरी उम्मीद है मुझे कि हम कंप्लीट कर देंगे, हमारी सुपर स्पेशलिटी शुरू होगी। जब वो सुपर स्पेशलिटी शुरू होगी उसके बाद जो जटिल बीमारियों का इलाज है वो वहाँ पे होगा। हालांकि हमारे डॉक्टर इतने काबिल हैं कि कई जटिल बीमारियों को मल्टी स्पेशलिटी तक भी हैंडल कर लेंगे, तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आने वाले समय में प्रोग्रेशन ही प्रोग्रेशन है और डायनेमिज्म है हर चीज़ में।